यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने वो सब किया जो वो कर सकते थे। व्लादिमीर पुतिन की सेना पर आरोप तो ये लगे कि उन्होंने जंग जीतने के लिए केमिकल हथियारों का इस्तेमाल तक किया, और अब इस कड़ी में रूस की सेना पर थर्मोबैरिकरेन बम का इस्तेमाल का आरोप भी लगना शुरू हो गया है। थर्मोबैरिक बम एक ऐसा हथियार है, ऐसा खतरनाक हथियार है जिस पर पूरी दुनिया में पाबंदी है, क्योंकि इसके धमाके से इतनी गर्मी पैदा होती है कि इंसान के शरीर का मांस तक गल जाता है। पहली नजर में इस वीडियो को देखने पर लगता है मानो जैसे आसमान में आतिशबाजी हुई और रंग बिखेरती हुई आतिशबाजी जमीन पर आकर रिमझिम तारों में तब्दील हो गई, लेकिन जितना खूबसूरत ये वीडियो देखने में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है इन तस्वीरों के पीछे का सच। यूक्रेन की जंग से आए इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रूस के सबसे खतरनाक बम के धमाके की है, वो बम जिसे दुनिया थर्माइट रेन बम के नाम से जानती है। रूस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने यूक्रेन को जंग में पस्त करने के लिए थर्माइट रेन बम का इस्तेमाल किया। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि थर्माइट रेन बमों को रूस ने अपने ग्रैड लॉन्चर के साथ 9M22S रॉकेट से दागा। थर्माइट बम के दावे वाले इस वीडियो को यूक्रेन के कई पत्रकारों ने ट्वीट किया। एक यूक्रेनी पत्रकार ने इसे ट्वीट कर लिखा, थर्माइट जैसी युद्ध सामग्री का इस्तेमाल रूस ने किया, कल्पना कीजिए इसके बाद के क्या हालात रहे होंगे। अपने नाम की तरह थर्माइट रेन बम ब्लास्ट होने के बाद आसमान से बारिश जैसा प्रभाव छोड़ता है, लेकिन बारिश की बूंदों की जगह इससे ऐसे केमिकल निकलते हैं जो इंसान की हड्डी तक गला दे। थर्माइट बम को बनाने में मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इस बम के इस्तेमाल से इंसान के शरीर का मांस पिघल जाता है और हड्डियां जल जाती हैं, क्योंकि थर्माइट बम के धमाके के बाद इलाके में 2400 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा होता है। सोचिए, लोहे को पिघलाने के लिए करीब 1538 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ती है, जबकि थर्माइट बम के धमाके के बाद इससे करीब करीब डेढ़ गुना से भी ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिसमें इंसान का बचना तो दूर, इंसानी शरीर का साबुत बचना भी मुश्किल हो जाता है। मारियोपोल पर कब्जे की कोशिश के दौरान रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं, और अब पुतिन की सेना पर थर्माइट रेन बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। हालांकि थर्माइट बम का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध माना जाता है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत थर्माइट बम को काफी पहले ही बैन किया जा चुका है। तो पश्चिमी देशों में इस वक्त एक सांसद की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर यूक्रेन की ये सांसद टॉप ट्रेंड हो रही है। पुतिन के खिलाफ बंदूक उठाने वाली सांसद का सबसे ताजा बयान किया है, और लोग इस सांसद के जज्बे को सलाम आखिर क्यों कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। हाथ में AK-47, चेहरे पर गुस्सा, talking about Putin as a person, जुबान पर पुतिन के खिलाफ जहर। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. पुतिन को मारने की धमकी देने वाली ये किलर लेडी कौन है? क्यों इस लेडी ने हाथ में AK-47 उठाई है? इस किलर लेडी के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले इस किलर लेडी की एक और बात सुनिए। Be clear, if you had the gun that we all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good.
टीवी पर पुतिन के खिलाफ जहर उगलने वाली महिला यूक्रेन की सांसद कीरा रुडिक है, जो पुतिन को देखते ही गोली चलाने की बात कर रही है, मार डालने की बात कह रही है। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. Be clear. If you had the gun that we've all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now, and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good. महायुद्ध को शुरू हुए अब करीब 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन रूस के प्रति यूक्रेन के लोगों में प्रतिशोध की भावना कम नहीं हो रही। यूक्रेन की सेना से लेकर सांसद तक में रूस के प्रति गुस्सा है। पूरा यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन को जिम्मेदार मानता है। जनता की इसी भावना को वहां के सांसद अब टीवी पर बयां कर रही है। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की सांसद कीरा रुडिक ने पुतिन के खिलाफ बयान दिया है। इससे पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उन्होंने अपना एक फोटो ट्वीट किया, जिसमें वो AK-47 हाथ में लिए हुए थी और ट्वीट में लिखा था, मैं इस बंदूक का इस्तेमाल करना सीख रही हूँ। ये अजीब लगता है क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आता। हमारी महिलाएं हमारे पुरुषों की तरह इस मिट्टी की रक्षा करेंगी। यूक्रेन की सेना आज अगर रूस को टक्कर दे रही है, तो इसके पीछे ऐसी ही महिलाओं का जोश है, जिन्हें अपनी सेना पर भरोसा है, जिन्हें खुद पर विश्वास है। जब तक उनकी सांस चलेगी, यूक्रेन रूस के सामने नहीं झुकेगा। पचानवे दिनों बाद भी ये सवाल जस का तस बरकरार है, ज्यों का त्यों बना हुआ है कि इस महायुद्ध का आखिर क्या होगा, इससे क्या हासिल होगा, पुतिन जीत की राह में आखिर कितना आगे बढ़े हैं और ज़ेलेंस्की सरेंडर की तरफ कितना खिसके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन ने कीव विजय की प्लानिंग तैयार की है, क्योंकि कीव पर कब्जा किए बगैर यूक्रेन की विक्ट्री की कहानी अधूरी है। जंग के बारे में मत पूछो, बताओ कि वहां कोई बाघ है, क्या झिंगुर की आवाजें आती हैं, क्या टिड्डियों के झुंड परवाज भरते हैं, क्या घोघा अब भी आजाद घूमता है, क्या चेरी के पेड़ों पर फूल आए हैं। अगर कोई इन फूलों को चुनने आता है, उनसे तुम मिसाइल स्ट्राइक की बातें ना करना। जंग खत्म होने पर उन सारे लोगों को यूक्रेन बुलाना, उन लोगों के प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। ये यूक्रेन के सिपाही वैश्य बाबा की चिट्ठी है अपनी बेटी के नाम। बेटी ने पूछा था, पापा बताना जंग में क्या हो रहा है। पिता ने बेहद इमोशनल जवाब दिया। यूक्रेनी भाषा की यह कविता सोशल मीडिया पर वायरल है और शायद यही रूस यूक्रेन महायुद्ध की असली तस्वीर है। ना पूछिए कि जंग में अब तक कौन जीता कौन हारा। जंगी मोर्चे पर रूस ने कितने यूक्रेनी सैनिकों को मारा, फ्रंट पर कितने रूसी सैनिकों ने जान गंवाया, रूस
रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में जुटी यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से खूब गोले बरसा रहे हैं। उन पर रॉकेटों से हमला हो रहा है। रूस इस वक्त दो तरफ से हमला कर रहा है, उत्तर में इजियम और पश्चिम में सेवरे डोनेस्क से। हालांकि रूस को दोनों ओर आगे बढ़ने में थोड़ी ही कामयाबी मिल रही है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुश हैं। जंग में मनमर्जी वाली जीत भले ना हासिल हो रही हो, लेकिन अब तक जो हासिल हुआ है वो रूस के लिए कमतर भी नहीं। बॉर्डर गार्ड्स डे पर राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। Уважаемые товарищи, стоящие перед вами задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну. Наращивание военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей. कोई शक नहीं कि अमेरिका के नेतृत्व में मिल रही नेटो ताकतों की मदद ने ज़ेलेंस्की को अब तक झुकने नहीं दिया, लेकिन शक तो इसमें भी नहीं कि पुतिन ने रूस पर लगाए सारी प्रतिबंधों की चिंदी उड़ा दी। अब तक वही किया जो रूस के हित में था, वैसे भी अंजाम की परवाह करने वाले जंग नहीं लड़ते, समझौते करते हैं। России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий. Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции. 9 мая को विजय दिवस के बाद ये पहली बार था जब पुतिन जंग के दौरान जनता से सीधे मुखातिब हुए। ये पहली बार था जब ठीक ज़ेलेंस्की के अंदाज में ज़ेलेंस्की को पुतिन ने जवाब दिया, बिल्कुल कड़क, ठोस और जंग में सधे कदमों के साथ आगे बढ़ने की इच्छा दोहराई। ऐसा लगा जैसे शुरुआती दिनों की भूल के बाद पुतिन अब एक कुशल योद्धा की माफिक नए तरीके से तैयार हो रहे हैं। युद्ध की तारीखों को बिना काउंट किए, दिन, हफ्ते, महीने की परवाह किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी पुतिन को जवाब दिया कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सभा को संबोधित करते हुए। санкції важливі дуже. Але санкції сьогодні, ви знаєте, в більшості своїй Росія обходить. І чому? Тому що немає об'єднаної міцної позиції всього світу проти агресії Росії. Путін का मकसद तो यही है, ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराकर क्यू में अपनी कठपुतली बैठाना, जो नाटो से दूरी बनाए रखे और रूस से दोस्ताना व्यवहार करे। लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते, लिहाजा यूक्रेन कभी दक्षिण में जलता है, कभी पश्चिम में और अब पूरब में जल रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग मिशन के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई तक जंग में 3,811 नागरिक मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से 6,00,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं, इसमें 90% महिलाएं और बच्चे। एक स्टडी के मुताबिक 8,00,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। सैकड़ों बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं, लाखों बेघर हो गए हैं, लेकिन युद्ध की विभीषिका पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रूस की मिसाइलों की मार मंद नहीं पड़ी है, यूक्रेन की जमीन पर गोले गिरने कम नहीं हुए हैं। ज़ेलेंस्की कभी हथियारों की मांग करते हैं तो कभी विश्व बिरादरी से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। Розуміємо, що люди все знають, люди тиснуть на своїх керівників, керівники бояться, що суспільство може позбавити їх влади, і тому вони впроваджують санкції. Але десь там тихенько за спиною багато санкцій допомагають Росії обійти ці санкції. І тому, на жаль, ми не бачимо, щоб санкції дуже сильно тиснули на Російську Федерацію. पुतिन को यूक्रेन पर हमले से रोकने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं,
युद्ध के शुरुआती दिनों में शांति वार्ताओं का नतीजा ढाक के तीन पात रहा। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई राउंड की बैठकें भी हुई, लेकिन अब तो ज़ेलेंस्की खुलेआम कह रहे हैं कि वो जब से राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं, रूस ने कभी उनके शांति पहल को कबूल नहीं किया। Відповідь і на нашу пропозицію щодо лідера Російської Федерації щодо того, щоб сісти за стіл перемовин і закінчити цю війну. Жодного разу за три роки, за мої три роки мого президентства, і жодного разу з початку повномасштабного вторгнення. Окрім загальних речей, ми за перемовини, ми підтримуємо дипломатичне рішення. Але це, розумієте, це не співпадає з реальністю. Зеленський के शांति की बातें विरोधाभासी हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनकी पुतिन के बातों से इनकार करने की जिद है, विदेशों से मांगे हथियार पर रूस को हरा देने की मंशा है, पुतिन को सबक सिखाने की ख्वाहिश है, और दूसरी ओर पुतिन के क्रोध से यूक्रेन को बचाने की चाहत है। लिहाजा अब तक जिस युद्ध का नतीजा निकल जाना चाहिए था, वो चौथे महीने में अपनी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन को झुलसा रहा है। हालांकि खामियाजा सिर्फ यूक्रेन को नहीं, रूस को भी भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी से 28 मई के बीच तक उसने 30,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने अपने फेसबुक पोस्ट पर डाला है, यूक्रेन ने रूस के अब तक 1,338 टैंकों को नष्ट कर दिया है, 3,217 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स को तबाह कर दिया है, 633 आर्टिलरी को बर्बाद कर दिया है, 205 एमएलआर सिस्टम, 93 एयर डिफेंस सिस्टम, 208 वॉर प्लेन्स, 178 हेलीकॉप्टर्स, 503 ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल लेवल यूएवी, 117 क्रूज मिसाइल, 13 वारशिप, 2,226 दूसरे युद्ध वाहन और 48 स्पेशल इक्विपमेंट्स को नेस्तनाभूत कर दिया है। पुतिन को इस लेवल की हानि की आशंका तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इससे रूस के युद्ध में आगे बढ़ने की इच्छा पर शायद ही असर पड़ा हो। अब तक युद्ध की तस्वीरें बता रही हैं, जो युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में बातें सामने भी आई थी, कि पुतिन युद्ध में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं कर देंगे। रूस धीरे धीरे ही सही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूस का युद्ध में नुकसान का ढेंचा आपने देख लिया, अब आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जे का दावा कर रहा है। तो रूस का दावा है कि उसने क्राइमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, मारियोपोल, खार्किव, डॉनबास, ओदेसा पर कब्जा कर लिया है। लेकिन रूस जब तक कीव पर कब्जा नहीं कर लेता, संपूर्ण युद्ध के जीत की तस्वीर अधूरी रहेगी। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि डॉनबास इलाके की लड़ाई के बाद रूसी फौज एक बार फिर कीव की ओर कूच करने वाली है। आपको याद होगा कि युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में रूसी सैनिकों ने कीव का घेरा डाला था। इसमें सहयोग के लिए पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद और वफादार चेचन लड़ाके रमजान कादिरव और उसकी सेना को भी झोंक दिया था। लेकिन हफ्तों तक चले इस घेरे का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ज़ेलेंस्की बंकर में चले गए और वहीं से युद्ध का संचालन शुरू कर दिया। कीव का किला ना गिरते देख पुतिन ने फौज को खार्किव और मारियोपोल के विजय अभियान पर भेज दिया।
अब ये दोनों क्षेत्र रूस के कब्जे में हैं, तो फिर से क्यू को घेरने की प्लानिंग शुरू हो गई है। इस बीच अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से जेलेंस्की को मदद मिलनी जारी है, और यही सूरत रही तो पुतिन की जीत की किसी तारीख की घोषणा कर पाना मुश्किल है। और इस बीच दुनिया को अनाज संकट से बचाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों के सामने रूस पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने की शर्त यहां पर रख दी है, क्योंकि काला सागर में रूस के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने पूरी तरह के लिए बंदी कर रखी है, जिससे वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज फंसे हुए हैं। और इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना है कि कई देशों में गेहूं का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। ने यूक्रेन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देश चाहकर भी ना तो यूक्रेन की कोई मदद कर पा रहे हैं और ना ही जेलेंस्की इस चक्रव्यूह को तोड़ पाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। और इस चक्रव्यूह का असर अकेले यूक्रेन पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया के सामने पुतिन के इस चक्रव्यूह ने खाने का संकट खड़ा कर दिया है। समंदर में रूसी चक्रव्यूह में फंसे जेलेंस्की, काला सागर में यूक्रेन पर पुतिन पर पहरा, ये काला सागर की तस्वीरें हैं जिससे रूस की भी सीमा लगती है और यूक्रेन की भी, और इसी काला सागर से जुड़ी है पूरे यूरोप की फूड सप्लाई लाइन, जिस पर पुतिन की सेना जंग की शुरुआत से ही कुंडली मार कर बैठी है। ऐसी कुंडली जिसने यूक्रेन को यूरोप के देशों से जोड़ने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। इस ब्लॉकेज की वजह से यूक्रेन का अनाज यूरोप और बाकी देशों तक पहुंच नहीं पा रहा। पिछले 3 महीने से यूक्रेन के कई कार्गो शिप अनाज के साथ काला सागर में फंसे हैं, और अब कार्गो शिप पर लदे अनाज के सड़ने की नौबत आ गई है। काला सागर में यूक्रेन के लिए रूस की घेराबंदी को तोड़ पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि काला सागर में यूक्रेन से जो समुद्री रास्ता यूरोप तक जाता है, उस रास्ते पर रूसी सेना के जंगी जहाज और रूसी पनडुब्बियों ने जबरदस्त किलेबंदी कर रखी है, और इस वजह से वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज अटके हुए हैं। इस घेरेबंदी की वजह से यूरोप और दुनिया के बाकी देशों की मुश्किलें क्यों बढ़ी हुई है, अब वो समझिए। असल में यूक्रेन गेहूं सप्लाई करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया की गेहूं की जरूरतों का करीब 10% हिस्सा यूक्रेन ही पूरा करता रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने से यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। फिलहाल खबर है कि करीब 2 करोड़ टन गेहूं यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसा है, जिसे रूस निकलने नहीं दे रहा। इस वजह से दुनिया में गेहूं की भारी कमी हो गई है। यही नहीं, दुनिया के कई देशों के सामने खाने का संकट तक खड़ा हो गया है। दुनिया के ऐसे दर्जनों देश हैं जो समंदर में यूक्रेन का रास्ता खुलने की बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। खुद इटली के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बैठक की, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक के दौरान रूस ने यह साफ कर दिया कि वो काला सागर से निर्यात तभी होने देगा जब पश्चिमी देश उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा देंगे। मतलब ये कि रूस काला सागर में अपनी ताकत के दम पर पश्चिमी देशों को झुकाने में जुटा है, और पुतिन की इस रणनीति को यूरोपीय देश भी समझ रहे हैं। ब्रिटेन ने तो रूस के इस कदम को फिरौती के लिए बंधक बनाने वाला कदम बता दिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा, रूस ने दुनिया भर के सबसे गरीब लोगों के बीच भूख और भोजन की कमी को हथियार बनाया है।
प्रतिबंधों को हटाना संभव नहीं है। कोई तुष्टिकरण लंबे समय में पुतिन को और मजबूत बनाएगा। मतलब ये कि ना तो समंदर में पुतिन झुकने को तैयार है और ना ही यूरोप के देश पुतिन की शर्तों को मानने को राजी दिख रहे हैं, और इन दोनों के बीच पिस रही है दुनिया की वो आबादी जिन्हें ना तो युद्ध से कोई मतलब है और ना ही किसी की जीत हार से। उन्हें बस दरकार है दो वक्त की रोटी की, जो इस जंग के बीच समंदर में पिछले 3 महीने से अटकी है। देखिए, असल में यूक्रेन दुनिया के कई देशों को अनाज की सप्लाई करता है, भेजता है। उनमें अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देश भी शामिल है। तफसील से आपको बताते हैं, यूएन के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यात करने वाला देश है, और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी का जिक्र करें तो ये करीब 10% है, यानी कि 10%। और इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है, यानी कि इसका निर्यात करता है। लेकिन उसके तमाम बंदरगाहों पर रूस का कब्जा है और इसी वजह से अनाज की सप्लाई ठप है। और इस महाजंग महायुद्ध में ऐसे ही अगर ये चलती रही तो दुनिया भर के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने भूख से मरने की बड़ी नौबत आ सकती है। और अमेरिका को ही ब्रिटेन की भी तरह अब महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमतें रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो चुका है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में महंगे तेल के बीच यूरोपियन यूनियन ने भी रूस के तेल का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है, और बताया जा रहा है कि EU अब LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन तक रूस यूक्रेन युद्ध की आंच। ब्रिटेन में पेट्रोल डीजल के दाम में आग। ब्रिटेन में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे दाम। ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग गई है। तेल के दामों में आग की वजह रूस और यूक्रेन युद्ध को ही माना जा रहा है। महंगे तेल का ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने की वजह से ब्रिटेन में हर चीज महंगी हो रही है। भारत की ही तरह ब्रिटेन में भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली ड्यूटी को सरकार ने मार्च में कम कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ कम हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही है। 3 महीने में 20% तक बढ़े दाम। 1 लीटर पेट्रोल 163 रुपए में, 1 लीटर डीजल 176 रुपए में। ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पिछले कई हफ्तों से लगातार हो रहा है, जिसके बाद वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 167 पेंस मतलब करीब 163 रुपए पहुंच गई है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत वहां पेट्रोल से भी ज्यादा 176 रुपए पर पहुंच गई। बढ़े दाम की वजह से वहां हंगामा मचा हुआ है, राजनीतिक बवाल भी मचा है, और कुछ संगठन पेट्रोल सस्ता करने की मांग लेकर वहां की अदालतों के पास भी पहुंच गए हैं। यूरोपियन यूनियन तलाश रहा है विकल्प, रूस के तेल के विकल्प की तलाश। यूरोपियन यूनियन का LNG पर जोर। ब्रिटेन में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे तो उधर यूरोपियन यूनियन ने भी रूस के तेल का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है। वो LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात करने के बारे में सोच रहा है। यूरोपियन यूनियन को लगता है कि LNG की वजह से वो रूस के तेल का खेल खत्म कर सकता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG नेचुरल गैस होती है, जिसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड में बदल दिया जाता है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल पेट्रोल या डीजल की तरह किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि LNG की वजह से तेल का संकट खत्म हो जाएगा। LNG का उत्पादन अमेरिका और खाड़ी देशों में हो रहा है, मतलब ये कि यूरोपियन यूनियन रूस को जवाब देने की तैयारी कर चुका है। कहा जा रहा है कि यूरोप के देश LNG समंदर के रास्ते मंगाएंगे। कहा जाता है कि LNG के पार्टिकल गैस के एक पार्टिकल के 600वें हिस्से के बराबर होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से गैस से लिक्विड में बदला जा सकता है। कहा जा रहा है कि LNG को जहाजों से टैंकरों में भरकर भेजा जाएगा,
और जब वह बंदरगाह पर पहुंच जाएगी तो उसे लिक्विड में बदलकर पाइपलाइन के जरिए यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे यूरोप का तेल संकट 90% तक कम हो सकता है। कहा जा रहा है कि जलने के बाद एलएनजी से बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, इसलिए कई देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, कतर, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया यूरोप को एलएनजी देने के लिए तैयार हैं। कई देशों ने रूस पर युद्ध की वजह से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ दिन पहले यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष ने भी रूस से तेल के आयात पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। और अब ब्रिटेन में महंगे तेल के बाद यूरोपियन यूनियन तेल का जोर शोर से विकल्प खोजने में जुट गया है। तो ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पिछले कई हफ्ते से लगातार हो रहा है, तेजी के साथ हो रहा है, जिसके बाद वहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत का जिक्र करें तो ये 167 पैसे मतलब रुपए में करीब 163 रुपए पर पहुंच गई है। लेकिन डीजल वहां पर पेट्रोल से महंगा होता है, एक लीटर डीजल की कीमत वहां 181 पेंस पर पहुंच चुकी है और ये कीमत हुई है 176, यानी ब्रिटेन में एक लीटर डीजल 176 रुपए में बिक रहा है। फरवरी के बाद से ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% का इजाफा दर्ज किया जा चुका है। मार्च का भी जिक्र करते हैं, मार्च में जब कीमतें बढ़नी शुरू हुई थी तो वहां की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली ड्यूटी में करीब 5 रुपए कम कर दिए थे। लेकिन सरकार ने जितनी ड्यूटी कम की उससे कहीं ज्यादा कीमतें उसके बाद यहां पर बढ़ती हुई नजर आई।